वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लेक्चर सीरीज ह्यूमन वैल्यू के अंदर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है अपना टू इनिशिएट ए होलिस्टिक प्रोग्राम फॉर एजुकेशन। आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में समझा था कि जो अपना एजुकेशन संस्कार का जो प्रोग्राम है वो क्या होता है। तो हम उस चीज़ को हम अब देख रहे हैं कि एट प्रेजेंट जो अपना एजुकेशन है और जो हम एजुकेशन संस्कार का जो प्लान है, जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, वो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, उस चीज़ को हम समझ रहे हैं और उसको हम कैसे करें। ए गुड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रिएट ए नेसेसरी ह्यूमन कैपिटल एंड नॉलेज एंड वर्कर्स हु विल ब्रिंग द कंट्री टू ग्रेट हाइट्स। यदि हम बात करें कि यदि ह्यूमन के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है, राइट लिविंग है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखें वो अच्छे एजुकेशन सिस्टम के कारण ही आती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि कैसे एक पर्सन अपनी शरीर यात्रा, कोई इंडिविजुअल है वो अपने परिवार से शुरू करता है, फिर स्कूल, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी होता हुआ, फिर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी होता हुआ वो अपने जॉब पर जाता है एज ए वर्कर, एज ए एम्प्लॉयर वो कहीं ना कहीं वर्क करता है। तो वहाँ पे आप देखें तो एज ए स्टूडेंट जहाँ उसके डेवलपमेंट के लिए हमें हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल चाहिए थी, उसके साथ साथ हम ह्यूमन वैल्यू पर फोकस नहीं करते। हम हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल पर तो फोकस करते हैं, जबकि हम देखें कि जब वो अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है, जॉब हासिल कर लेता है, जैसे कि हमने ये भी बात देखें कि करंट एजुकेशन सिस्टम है क्या कि एग्ज़ाम को पास करना, पास द एग्ज़ाम, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन लेना और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से क्वालिफिकेशन लेना और एम्प्लॉयमेंट करना। लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी में जीने जाता है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं। तो वो प्रॉब्लम जीने क्या शिक्षा का काम यही होना चाहिए कि एक पर्सन अपनी एजुकेशन लेने के बाद जॉब ले ले, उसको आगे जीवन में कैसे जीना है, कैसे वो अपनी सोसाइटी के साथ रहे, कैसे नेचर के साथ रहे, वो चीज़ें उसे नहीं पता हो, तो क्वेश्चन ये आता है कि नहीं, वो फिर आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, कि जो अपना यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है वो लोगों के अंदर जो एज ए स्टूडेंट्स, एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी, उन चीज़ों के अंदर आए। तो यहाँ पे ये जो लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है कि सोसाइटी की फॉर्म में, या फिर हम ये देखें कि किसी नेशन या किसी कंट्री की हम बात करें, तो हर लोगों से एक्सपेक्टेड है कि उनके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो डिफरेंट आपके नेचर के लेवल हैं वो उनसे रिलेट करते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ उनका म्यूचुअल फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं हो तो ये आगे के टाइम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत ऐसी स्थितियाँ हमारे सामने आ जाती हैं जब इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि गलत आदतें, रॉन्ग हैबिट्स लोगों के अंदर डेवलप हो जाती हैं, ठीक है ना। और लोगों को ये भी नहीं पता लगता कि जैसे किसी से पूछें कि एजुकेशन लेने के बाद आप क्या करना चाहते हो, तो लोग बोलते हैं कमाना चाहते हैं। वो कहते हैं कमाना कितना चाहते हो, कोई 1 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 1000 करोड़ बोलते हैं। तो वहाँ पे कुछ लिमिटेड नहीं है कि सबको एकुमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। कहीं ना कहीं हम अच्छी सोसाइटी की बात करें तो एज ए सिविलियन, एज ए प्रोस्परस पर्सन को सोसाइटी के लिए भी कुछ करना बनता है, नहीं बनता, हमने सोसाइटी के इतने रिसोर्सेज को यूज़ में लिया है। तो हम यहाँ पे देखें एजुकेशन जो है, जो सिस्टम है, उसके अंदर कहीं ना कहीं टीचर्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन सभी को ही इस आस्पेक्ट पर, इस मॉरल सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। तो हमने ही देखा कि ये जो एजुकेशन का, एजुकेशन के अंदर जो ट्रिपल पार्टनरशिप है वो टीचर्स की है, पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की है। ये तीनों मिलकर ही क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को, इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो चेंजेस ला सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा था जब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी कि हमने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू को पढ़ा, हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन को पढ़ा, हमने राइट अंडरस्टैंडिंग को पढ़ा, राइट फीलिंग को पढ़ा। हमने कहीं ना कहीं बात की कि पर कोई इंडिविजुअल है जब वो जन्म लेता है फैमिली में, तो वो कहीं आपका जो इमिटेशन है, अनुकरण करता है, फॉलो, अनुसरण करता है, फिर वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बनना चाहता है, इन सब चीज़ों को हमने समझा। फिर वो स्कूल कॉलेज में जाता है, एजुकेशन हासिल करता है, जॉब में जाता है, फिर उसको सोसाइटी के साथ मिलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम ये सब चीज़ें देखें कि ह्यूमन की जो लाइफ की स्टेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर उसको अलग अलग एजुकेशन संस्कार चाहिए। तो ये स्टेप फर्स्ट ही, स्टेप सेकंड के अंदर हम देखें कि ये चीज़ें जो हम ओल्ड कोर्सेज के अंदर, पहले ऑप्शनल के अंदर थी, अब इसको कंपलसरी कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट अच्छे मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले हम डिग्री की बात करते थे, मार्क्स की बात करते थे, ग्रेड की बात करते थे, लेकिन अब हम जो बात करेंगे, हम इस तरीके की एजुकेशन सिस्टम की हम बात करेंगे कि जो हमें जॉब ओरिएंटेड
तो करे, उसके साथ साथ हमें जीवन जीना भी सिखाए। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो अच्छी पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी सुसाइड जैसी स्थिति में आ जाते हैं, कहीं ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो सब चीज़ें नहीं आए, हमारे अंदर राइट लिविंग आए, हम राइट थिंकिंग आए, राइट अंडरस्टैंडिंग आए। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, इसके लिए हम देखें कि हमें क्या करना होगा। हमें अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर हमने कल्चर के को वैल्यू बेस्ड लिविंग में लेना होगा, जिससे हम राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग रखें, राइट बिहेवियर रखें, राइट वर्क रखें। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्टेप 4 के अंदर जो हम पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को इंस्टीट्यूशनल लेवल पर लाना होगा। इंस्टीट्यूशनल लेवल का मतलब ये हुआ कि हर इंस्टीट्यूट क्या करे, उसका स्टाफ क्या करे, इन चीज़ों को स्टूडेंट्स को बताएं, स्टूडेंट अपनी फैमिली को बताएं, फैमिली के मेंबर भी इन चीज़ों के साथ जुड़े, उन चीज़ों को डिस्कस करें। जहाँ एक स्टूडेंट इन चीज़ों को साल दो साल में समझेगा, वहाँ फैमिली के साथ उसको 5-6 महीने ही लगेंगे, फैमिली मेंबर्स के अंदर भी हार्मनी आएगी। तो हम ये देखें कि इंस्टीट्यूशंस के, जैसे हम देखें एक डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नोडल सेंटर बनाया जाए जहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट जो हैं उस एरिया के एफिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं वो उसको रिपोर्ट करें। नोडल सेंटर जो है वो आपके रीजनल लेवल पर जो भी अपना जो भी अपना यूनिवर्सिटी है, जो भी अपना स्टेट है, वहाँ पे वो रिपोर्ट करें। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, वैल्यू एजुकेशन का डेवलपमेंट करने के लिए हमें नोडल सेंटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्टेप 4 के अंदर देखें, इंस्टीट्यूट बिकम्स ए नोडल सेंटर टू शेयर एंड प्रमोट वैल्यू एजुकेशन, ठीक है ना। फिर हम देखें कि जो इंस्टीट्यूट हैं, ये जो आपके नोडल सेंटर बने हैं, ये अपने डिस्ट्रिक्ट पर जो भी स्कूल कॉलेज हैं या जो कॉलेज हैं, जैसे टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज के अंदर ह्यूमन वैल्यू को रखा गया है, वो कॉलेज क्या करेंगे जो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर है, वो स्कूलों के 11th 12th के स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में अवेयर कराएंगे। कहीं ना कहीं हम ये देखें कि हर जो कॉलेज है वो 4-4, 5-5 स्कूलों में वो चीज़ें अवेयर कराए, तो कहीं ना कहीं एक आपकी चैन बनती चलेगी। तो इंस्टीट्यूट जो रहेगा आपका, इंस्टीट्यूट उस लेवल पर रिसोर्स पर्सन को अपॉइंट करेगा, फिर वो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, धीरे धीरे स्टेट से नेशनल लेवल पर आएगा। और आप ये देखें कि जो पूरी अपनी सोसाइटी है, स्टेप 7 के अंदर आप देखें कि वो धीरे धीरे इंस्टीट्यूट लेवल से वो चीज़ कहाँ पहुँची है, नेशनल लेवल पर पहुँची है। और धीरे धीरे वो जो इंस्टीट्यूट है वो एज ए रिसोर्स सेंटर बनेगा अनडिवाइडेड सोसाइटी के लिए, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही देखा कि जो ह्यूमन वैल्यू के अंदर हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो हम कैसे हम इंडिविजुअल लेवल से, एक फैमिली लेवल पर हमने उन चीज़ों को समझा, एक सोसाइटी लेवल पर समझा हमने, फिर हमने वर्ल्ड फैमिली की तरफ लिया। तो इसमें आप ये देखें कि इसमें जो मेन रोल है वो किसका है, वो मैंने आपको बताया था ट्रिपल पार्टनरशिप है। ट्रिपल पार्टनरशिप के अंदर आपके टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स पेरेंट्स भी हैं, उन सबको मिलकर क्या करना है, अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। और यदि सब मिलके अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, होलिस्टिक का मतलब हुआ संपूर्ण, कि ये जो वैल्यू एजुकेशन का प्रोग्राम है, ह्यूमन वैल्यू का जो प्रोग्राम है, ये कोई स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि इस कोर्स के, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स है, ये सबके लिए है, हर ह्यूमन बीइंग के लिए है, उसके सोसाइटी के हर मेंबर्स के लिए। तो यदि हम देखें एक पर्सन भी, ये जो चीज़ें आपको, आपने लेक्चर 1 से लेके लेक्चर लास्ट तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, यदि आप ये चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस करेंगे, अपनी सोसाइटी के साथ डिस्कस करेंगे, अपने रिलेटिव के साथ डिस्कस करेंगे, तो आई थिंक उनमें ये जो चीज़ें रहेंगी, ये उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि उनके जो भी गोल हैं लाइफ के, जो उनको राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहाँ उनको राइट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उनको पता लगेगा कि एक ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन की जो लाइफ है बहुत सिंपल है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग ने क्या कर रखा है, उस लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है, इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम किसके थ्रू कर सकते हैं, एक होलिस्टिक प्रोग्राम फॉर वैल्यू एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। एक शुरुआत की ज़रूरत है, एक शुरुआत हमने पहले भी पढ़ा था कि हम वो शुरुआत सोसाइटी से चाहते हैं, वो शुरुआत हमें अपने से करनी है। तो मैं आप सबसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब अपने लेवल पर एक अच्छी शुरुआत करेंगे, और इस वैल्यू एजुकेशन का जो अपना कंप्रिहेंसिव वैल्यू एजुकेशन का जो ऑब्जेक्ट था, उसको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ताकि कोई भी पर्सन जो है वो खाली एजुकेशन को इसलिए नहीं पढ़े कि उसको पास होना है, उसको डिग्री लेनी है, उसको एम्प्लॉयमेंट लेना है, लेकिन आप ये देखें कि जो जिस तरीके से जीना है, कैसे जीना है, हम यदि देखें तो आज के टाइम में हम सब चीज़ें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम सब चीज़ें नेट पे सर्च करते हैं, नेट पे भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमें एज ए, वो कहते हैं ना, विरासत में वो चीज़ें हमें देना चाहते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को कहीं ना कहीं समझ के अभाव के कारण, या फिर जितना हम समझ पा रहे थे उस समय, उन चीज़ों को हम उतना तो क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेते।
थे, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ वो चीज़ें हमें क्या समझ में आने लगती हैं, उन चीज़ों को हम क्या फॉलो करने लगते हैं। आप बच्चे हो, आपको ये चीज़ें हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती हों, कुछ चीज़ें आपको फ्यूचर में समझ में आएंगी। बस आपका सबका यही टारगेट रहना चाहिए कि हमारी जो लाइफ है उस लाइफ के अंदर जो हमारा ह्यूमन का जो भी रोल है नेचर के लिए, सोसाइटी के लिए, उस सबको हम क्या करें, फुलफिल करें। हमें अपनी फैमिली पर सेंटरिंग होके नहीं रहना है कि हमने अपनी अर्निंग से अपनी फैमिली को की आवश्यकताओं को पूरा करना है, हमें नेचर के लिए, अपने नेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। मैं इसी आशा के साथ कि आप सब इन चीज़ों को समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस लेक्चर को मैं ओवर करता हूँ। थैंक्स।